और गरीब आदमी की इस टाइम इतनी हालत खस्ता हो रही है बहुत ज्यादा। गोभी 100 रुपया किलो, टमाटर 100 रुपया किलो, गरीब आदमी का खाए भैया। महंगाई तो थोड़ा है लेकिन महंगाई के साथ साथ रोजगार के साधन भी तो बड़े है। दिल्ली के बाजारों में सिर्फ एक ही चर्चा है, महंगाई और चुनाव। महंगाई सिर्फ और सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि काफ़ी दुकानदारों को भी प्रभाव डाल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है महक शर्मा और आप देख रहे हैं AIR न्यूज़। तो आज हम मौजूद हैं उत्तम नगर की जैन कॉलोनी में, जहां हम कई लोगों से, कहीं आम जनता से, कहीं दुकानदारों से बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर बात करने वाले हैं। और तो और, उनका इस मुद्दे से चुनाव को लेकर क्या ख्याल है, इस पर भी वार्तालाप करने वाले। नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। सर मैडम जी, मेरा नाम महेश बाबू है। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप दिल्ली से ही हैं। हम दिल्ली से ही हैं सर। आप दिल्ली से, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे दिल्ली में पिछले 5 साल में महंगाई का क्या स्तर रहा है। महंगाई तो 5 साल से ज़्यादा हो रही है और हर दाल 100 रुपये से ऊपर है, 100 रुपये केजी से ऊपर है। और गरीब आदमी की इस टाइम इतनी हालत खस्ता हो रही है बहुत ज़्यादा। कमाना खाना मतलब पेट पूजा करना भारी पड़ रहा है और ऊपर के खर्चे कहाँ से करें। तो इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि दिल्ली के बारे में कुछ सोचें जन और मिडिल क्लास का जो गरीब आदमी है उसके बारे में सोचें। तो मैं जैसे महंगाई है, इससे आपकी ग्राहकी पे भी कोई फ़र्क पड़ता है? ग्राहकी बहुत सारा फ़र्क है। क्या फ़र्क? 100 रुपये से ऊपर दाल ग्राहक आता है और हाथ तोबा करके चला जाता है, कुछ सामान लेते ही नहीं है। और मैं ये और पूछना चाहूँगी, जैसे कि अब जो भी दिल्ली की जैसे इलेक्शन आने वाले हैं, कि आप जिसको अभी तक पार्टी को वोट देते आ रहे हो, अगर जैसे वो काम नहीं कर रही है तो क्या आप वोट किसी और को देना चाहोगे? देखो 4-5 साल से केजरीवाल है लेकिन पानी और बिजली और ये इसके नाम पे सिर्फ यही है, फ्री है, फ्री भी नहीं है, बिल आते हैं चुप्पे चुप्पे। और ये तो दिल्ली में तो कुछ सुधार होना चाहिए। तो आपकी सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से क्या, दूसरी सरकार आ जाए तो थोड़ा सा बदलाव हो जाए। तो जैसे दिल्ली में इलेक्शन होंगे, कोई और सरकार आती है तो आपकी उससे क्या उम्मीद है? उम्मीद का बस यही है कि जिसके कॉलोनी में पानी नहीं है और कुछ महंगाई मतलब कम हो, सिलेंडर के आजकल कितने दाम है। सबसे ज़्यादा रोज़ की खाने पीने वाली बात, 100 रुपये किलो से ऊपर दाल है, टमाटर क्या भाव और ये आटा क्या भाव रेट है, मतलब रोज़मर्रा की चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहता हूँ कि ये रोज़ की जो खाने पीने वाली पे, इन पे कंट्रोल करें, पाबंदी करें। एक बात होती है कि मतलब अगर महंगाई है तो इसके साथ साथ हमारे देश का विकास भी हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो विकास हो रहा है ये बात सही है कि प्रधानमंत्री जी और योगी जी और ये नेतागढ़ सब मिलिट्री बारे में, देश के जवानों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके साथ साथ सोचते हैं कुछ हम लोगों के बारे में तो सोचना चाहिए। नमस्कार आंटी, आपका नाम जानना चाहूँगी। नाम रामश्री। तो मैं आपसे, आप यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ मतलब शुरू से दिल्ली में रहे हैं? नहीं, लड़का रहे शुरू से, हमारा तो भिंड मुरैना है हमारा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो तो मैं महंगाई के ऊपर बात करना चाहूँगी कि पिछले 5 साल में जैसे महंगाई है कब कितनी बड़ी है, क्या स्तर रहा है महंगाई का? ये ललो महंगाई तो ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए ना, ये तो टमाटर का भाव, का भाव वहाँ गोभी 100 रुपया किलो, टमाटर 100 रुपया किलो, गरीब आदमी का खाए भैया। इतनी महंगाई सरकार ने करी है, क्या बताएं, गरीब आदमी के तरह सरकार देखा बेचारी, गरीब परेशान है महंगाई तो। अब क्या करे बताओ, सबरी की मोदी बनेगा तो कुछ तो गरीब की सहायता करे, इतनी महंगाई में क्या करे, बच्चे पढ़ाए के खाए क्या करे, कुछ नहीं हो पा रहा, क्या करे गरीब आदमी। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे कि अब दिल्ली के इलेक्शन भी होने वाले हैं दिल्ली में, तो अब आप सरकार से क्या, दिल्ली की जो भी सरकार बनने वाली है उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? सही बात बेटा, सुधार है जाने महंगाई को, धंधे पानी को कहे तो उन्हें गरीब जी जाए भैया, गरीब की भाव है ये, और तो सब ठीक है। तो बेटा तुम्हें करो जाए का छूटे ही सब। अब वही है बेटा, पढ़ाई लिखाई को पैसा चाहिए, थोड़ा सा मद्दा हो जाए, सस्ती हो जाए सब चीज़, तो कछु बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा कुछ बचाएं ब्याह शादी को, बस इतना ही सरकार से प्रार्थना करते। नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम शिव दर्शन अग्रवाल है। तो सर आप दिल्ली के रहने वाले? दिल्ली उत्तम नगर से। तो
सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे महंगाई आज के टाइम पे काफ़ी बढ़ी है, तो पिछले 5 साल में महंगाई का क्या स्तर रहा है? महंगाई तो थोड़ा है, लेकिन महंगाई के साथ साथ रोजगार के साधन भी तो बढ़े हैं। जो 5 साल पहले तनख्वाह दिया, आज जो तनख्वाह है उसमें भी तो फर्क आया ना। खाली महंगाई मत देखो ना, महंगाई के साथ साथ जो आदमी आज 400 रुपये दिहाड़ी लेता था, आज वो 700 रुपये दिहाड़ी ले रहा है। महंगाई 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 का रोना रो रही है, तो देखो ना आमदनी भी तो बढ़ी है लोगों की। काफ़ी है कि महंगाई से विकास भी हमारे देश का हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विकास तो देश का हो ही रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। और देखो कितने हाईवे हमारी सरकार ने कितने, मतलब जो हर स्टेट से जोड़ दिया है, 4 लेन 6 लेन के हाईवे बना दिए हैं। जो मोदी सरकार आई है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और देश को जो ट्रांसपोर्टेशन है जिससे हमारा व्यापार चलता है उसको जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। तो महंगाई से आपकी ग्राहकी पे कभी कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं नहीं, महंगाई से कोई ग्राहकी नहीं पड़ता। जिसने देखो जी दाल खानी है, आटा खाना हो तो खाएगा, महंगा हो या सस्ता हो। जो 300 कमाता था जब भी वही आटा खाता था, आज 1000 कमा रहे तभी वही आटा चावल खा रहे हैं। महंगाई से कोई फ़र्क नहीं किसी के ऊपर। ये तो उन लोगों के लिए जो निकम्मे लोग हैं, जो कमा के नहीं खाना चाहते, वो महंगाई का रोना रोते हैं। कांग्रेस के राज में क्या महंगाई नहीं थी क्या? महंगाई कुछ नहीं है, सिर्फ सोच का फ़र्क है। 70 साल से महंगाई नहीं थी। 70 साल पहले जो आदमी 30 रुपये दिहाड़ी लेता था, आज वो 1000 रुपये दिहाड़ी ले रहा है। तो महंगाई को उससे जोड़ के देखो ना, महंगाई है या क्या है। एक चीज़ और, जैसे कि अब दिल्ली के इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो दिल्ली की जो भी सरकार होगी, चुनिंदा सरकार होगी, उससे आपकी क्या उम्मीद है कि वो क्या काम करे आपके लिए? काम तो यही है, दिल्ली सरकार जितने उनके अंडर काम आते हैं, सड़कें नाले या और जो भी काम आते हैं, काम तो पब्लिक को चाहिए और काम हो भी रहे, ऐसी बात नहीं। लेकिन काम के साथ साथ जो इन्होंने ये रेवड़ी बांटने का काम करा है, फ्री के चक्कर में देश को है ना बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये फ्री के चक्कर में जो घुमरा करे लोगों को, ये जो है ना देश के डिम्बक का काम कर रहा है। तो जैसे कि अभी जो सरकार काम कर रहे, उसके काम से आप संतुष्ट हो? काम तो सरकार अपने जितनी उसके पास पावर है उतना काम तो सरकार कर ही रही है, लेकिन अगर ये फ्री की रेवड़ी बांटनी बंद कर दे तो काम तो हो रहे हैं देश में। जो सरकार ने वादे किए थे उसके हिसाब से वह अपना काम पूरा कर रही है? वादे तो कोई सरकार पूरे नहीं करती, वादे तो सिर्फ वोट मांगने के लिए होते हैं, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी हो, वादों से कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी काम हो रहे हैं, देश में भी हो रहे हैं, दिल्ली में भी हो रहे हैं, काम पूरे हो रहे हैं दिल्ली। नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। राम कुमार यादव। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? नहीं, यूपी से रहे हैं। आप यूपी से रहने वाले हैं, तो दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में 1972 से। मतलब आप दिल्ली में 1972 से रह रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि पिछले से 5 साल में महंगाई का स्तर आपको क्या लगता है? महंगाई का स्तर तो, महंगाई तो बढ़ी है, पहले से महंगाई बढ़ी है। लेकिन अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे महंगाई तो होगी। अब बिना जैसे ये मुसलमान हैं, मुसलमान ये उल्टे सीधे काम करते हैं, तो अब उनको देखते हुए तो फिर महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि तो महंगाई आपके ग्राहकी पे भी कोई असर पड़ा है? महंगाई की वजह से ग्राहक तो नहीं आते, ग्राहक अब ये लड़ाई का भी फर्क पड़ रहा है, जो वर्ल्ड वार चालू हो गई है इसकी वजह से ग्राहकों में बहुत फर्क पड़ रहा है। तो जैसे कि अब जैसे दिल्ली के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो जो भी है बनने वाली सरकार है, चुनिंदा सरकार है, उससे आपकी क्या उम्मीद है कि वो आपका क्या काम करे? जो दिल्ली के इलेक्शन हैं, अब अपनी सेफ्टी को देखते हुए तो हम अपनी हिंदुत्व को ही सपोर्ट करेंगे, चाहे कितना भी हो, हिंदुत्व से बाहर नहीं जाएंगे। नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। राजेंद्र कुमार शर्मा नाम है मेरा। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप दिल्ली के ही हैं? जी। आप दिल्ली के रहने? जी जी जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे पिछले 5 साल में महंगाई का क्या स्तर दिखाई? महंगाई तो हो ही रही है, महंगाई उस हिसाब से, जिस हिसाब से मान लो दिल्ली में, उस हिसाब से महंगाई तो हो रही है। पानी की समस्या सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ, पानी की। हाँ, पानी तो कई साल से नहीं आ रहा है यहाँ। मैं ये और ये पूछना चाहूँ, जैसे महंगाई है तो आपको क्या क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो हर चीज़ की है, मान लो जैसे सब्जी वगैरह है, ये सारी महंगाई है, तेल महंगाई हो गया, हर चीज़ महंगाई। रुक गया,
मैं ये चीज़ देखो, जैसे बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो उसके साथ साथ देश का विकास भी हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विकास तो हो रहा है, खैर महंगाई बढ़ रही है तो विकास भी साथ साथ विकास तो हो ही रहा है, महंगाई बढ़ी विकास हो रहा है, मोदी जी हैं तो विकास हो ही रहा है। तो जैसे कि अब दिल्ली के इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो मतलब आप अपनी सरकार से क्या, मतलब जो भी सरकार चुनिंदा सरकार होगी तो उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या उम्मीद करते हैं? यही उम्मीद करते हैं जो मतलब पानी आए, नारी सुधरे और क्या। तो जैसे सरकार जो अभी सरकार है हाल ही में, तो उनके काम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, कुछ संतुष्ट है, कुछ संतुष्ट नहीं है। किस तरह से आप संतुष्ट नहीं है? अब संतुष्ट जैसे मान लो वो कई एक ऐसे काम है, दंगा फसाद हुए है, वो कई आदमी के समर्थन करते हैं वैसे आदमियों का, जो नहीं होना चाहिए ना। ये थी हमारी आम जनता की बातें कि वो किस तरह महंगाई से पीड़ित हैं या किस तरह वे महंगाई के समर्थन में हैं। आप देख रहे थे AIR News और मैं हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा।